फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने ओलिगोपोली के बहुत सारे मॉडल किए, जैसे कि कोर्नो का, देन हमने स्टेगलबर्ग मॉडल किया। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोनो सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। एक्चुअली ये हमारा है क्या, तो हम बात करते हैं कि इस मॉडल के अंदर बेसिकली चीज क्या है। जैसे कि नाम में ही हमें दिख रहा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, तो इसमें बोनो ने बोला कि अगर एक फर्म जो है वो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने की ज़्यादा सोचती है बजाय कि प्रॉफिट की, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो हर एक फर्म को चाहिए ही होता है कि वो अपनी कॉस्ट को पूरा कर सके। ठीक है, जैसे उसको लेबर को भी पे करना है, उसके फर्म में जो लाइक लैंड वगैरह है उसके रेंट भी पे करना है, और जो कॉस्ट होती है एक फर्म को जो पे करनी पड़ती है। सो एक फर्म क्या चाहती है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद वो फर्म क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मैक्सिमाइज करने की सोचे। मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद वो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेल्स को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली बोमोल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये मॉडल इन्होंने ओलिगोपोली फॉर्म्स के लिए दिया था मेनली। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोमोल्स सेल्स ओलिगोपोली सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल भी बोलते हैं। सो इसकी हम पहले देखते हैं अजम्पशंस, कि उन्होंने पहले कुछ अजम्पशंस ली थी इस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले। ऑब्वियस सी बात है, हर मॉडल से पहले कुछ ना कुछ अजम्पशंस हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके आर्ग्यूमेंट्स, कि किस चीज़ को लेके इन्होंने फेवर किया था सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल को, मतलब क्या चीज़ें थी कि इन्होंने कहा कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना ज़रूरी होता है एक फॉर्म के लिए, या एक फॉर्म चाहती है कि वो ज़्यादा सेल्स को मैक्सिमाइज करे एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपनी अजम्पशंस को। सो अजम्पशंस क्या है हमारी, टाइम ओरिजिन ओरिजिन ऑफ अ फॉर्म इज ऑफ अ सिंगल पीरियड, कि टाइम ओरिजिन जो है एक फॉर्म का सिंगल पीरियड है, मतलब हम जो स्टडी कर रहे हैं एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हैं, हम उस टाइम को रिपीट नहीं करने वाले। राइट, कि हम मान लो अब से कुछ टाइम पीरियड तक हम स्टडी करने वाले हैं, वो टाइम पीरियड हम रिपीट नहीं करेंगे। सो एक सिंगल पीरियड के अंदर हम ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चीज, कि फॉर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल्स रिवेन्यू सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कॉन्स्टेंट, कि जैसा मैंने बताया कि एक फॉर्म एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद सेल्स को मैक्सिमाइज करने की सोचती है। तो प्रॉफिट कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट उसको पहले करना है, उस प्रॉफिट उस मिनिमम प्रॉफिट के बाद वो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने की सोचेगी। क्यों? क्योंकि एक फॉर्म को अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना होता है, अपनी लैंड की कॉस्ट वगैरह भी पे करनी होती है, लेबर्स को भी पैसा देना होता है, तो प्रॉफिट तो जरूरी है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बाद उसको सेल्स मैक्सिमाइज करनी चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द करंट शेयर प्राइस। अब बात आती है कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट वो कैसे डिसाइड करेगी। अभी तक हमने बोला कि एक फर्म है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी, और उस सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की जगह वो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करेगी। सो अब बात आती है कि वो जो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे डिसाइड हो। सो वो जो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है वो हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को देख के, करंट शेयर प्राइसेस को देख के मार्केट के अंदर, उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमारे शेयर होल्डर्स हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम उनको उतना दे ही नहीं पाएंगे, उतना प्रॉफिट दे ही नहीं पाएंगे, सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइज करते जाएंगे, तो लॉन्ग रन में हमारी फर्म तो डूब जाएगी। राइट, तो इसीलिए क्या है, हमें एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट तक जाना है, और वो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा कि हमारे शेयर होल्डर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस साथ में करंट लाइक करंट फाइनेंशियल में या करंट सिचुएशन में क्या मार्केट के अंदर शेयर्स के प्राइस चल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, वही हमारी नॉर्मल चीज़ है कि ये बोमोल का जो मॉडल था ये किसके लिए था, ओलिगोपोली मार्केट के लिए, और ओलिगोपोली के अंदर उन्होंने ये अजम्पशन ली कि जो कॉस्ट कर्व्स होंगी वो भी हमारी यू शेप होंगी, जैसे एसी एमसी हमारी यू शेप होती है नॉर्मल, प्लस जो हमारी डिमांड कर्व होगी, जैसे हमने ओलिगोपोली पढ़ा था उसमें देखा था कि ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कभी भी लाइक हमारी डाउनवर्ड नहीं होती, कैसी होती थी वो स्विजी होती थी, लेकिन इन्होंने क्या अजम्पशन ली कि हमारी डिमांड कर्व कैसी होने वाली है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाली है। तो ये थी हमारी अजम्पशंस। अब हम लोग करेंगे आर्ग्यूमेंट्स, कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बोमोल ने दी कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्यों जरूरी है। सो अजम्पशंस हमारी हमने की, अब हम करने वाले थे आर्ग्यूमेंट्स। सो आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्यों सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स दी बोमोल ने वो हम देखने वाले हैं। सो जो मेनली उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दी कि
कि अगर देखो किसी फॉर्म की सेल्स गिर गई, अगर आप नॉर्मल सी सिचुएशन भी देखो, आप एक प्रोड्यूसर हो, अगर आपकी सेल्स कम होने लग जाए तो आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो, ठीक है। तो किसी की अगर सेल्स डिक्लाइन होती है तो वो फॉर्म ज़्यादा कंसर्न हो जाती है, तो ज़्यादा मतलब उसको चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है, भाई सेल कम कैसे हो रही है। सो इसीलिए ये कहते हैं कि एक फॉर्म जो है वो अटैच्ड होती है सेल्स के मैग्नीट्यूड से, कितना उसकी सेल है, कितनी होनी चाहिए, कैसी चल रही है। सो इसीलिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बोला गया, गुड सेल्स मींस गेटिंग चांसेस ऑफ गेटिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक। आप देखो बैंक में जाओ तो जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं जिनकी अच्छी सेल्स होती है, उनकी क्या क्रेडिट वर्थिनेस बहुत अच्छी होती है, उनको ईजिली लोन मिल जाता है बैंक से। तो अगर आपकी सेल्स अच्छी हैं तो चांसेस हैं कि आपको अच्छे से बैंक से लोन मिल जाएगा, काफ़ी हाई अमाउंट में लोन मिल सकता है आपको। लाइक जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो भी आपको पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे कि भाई उसकी रेपुटेशन है, गुडविल बढ़ती है एक फॉर्म की अगर उसकी सेल्स ज़्यादा होती है तो। सो इसीलिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कोई भी जो हमारी फॉर्म होती है या जो डीलर्स होते हैं, वो क्या है, वो भी सेल्स को लेकर कंसर्न होते हैं। अगर सेल्स ही कम है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स क्या वो उस फॉर्म में रहना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे उस फॉर्म में जिसकी सेल्स ही कम होंगी। सो दैट्स वाई सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब वो जितनी ज़्यादा सेल्स करेगी एक फॉर्म, तो उसको क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। हमने करा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट, कि जितनी ज़्यादा हम लोग सेल करते हैं, जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो डिक्लाइन होने लगती है, और जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। सो ये हमारी क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है जब एक जो फॉर्म होती है वो बेसिकली सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ काम करती है, क्योंकि अगर सेल्स मैक्सिमाइज करनी होगी तो ऑब्वियसली बात है उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और क्या है सैलरीज जो होती हैं एम्प्लॉइज की, वो भी किस पे डिपेंड करती है, सेल्स पे। अगर किसी फॉर्म की लाइक सेल्स अच्छी है तो वो अच्छी सैलरीज दे पाएगी, किसी फॉर्म की सेल्स अच्छी है वो बोनस देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो फॉर्म्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलते हैं कि आपको इतना सेल्स टारगेट अचीव करना है। सेल्स टारगेट डजंट मीन कि आप लाइक उस चीज़ को आप लाइक सिर्फ यूनिट्स में सेल करके आओ और उसमें कुछ कमाओ मत, नो। सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मेन चीज़ होती है कि आपको सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सेल्स बढ़ा दी और जो है आप अपनी लाइक 15 रुपये वाली चीज़ आप 10 रुपये में बेच के आ गए, नहीं। हमें क्या, हमें सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाना है, राइट, सेल्स प्लस साथ में रिवेन्यू भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। सो ये थी हमारी आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। अब जो हमारी नेक्स्ट होंगी वो हम करने वाले हैं डायग्राम रिलेटेड टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सो ये हमारा क्या है डायग्राम है, तो ये डायग्राम में बेसिकली हमें क्या शो करना है, जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम सेल्स रिवेन्यू उसको लाना है, लेकिन एक मिनिमम प्रॉफिट उसको होना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट के बाद उसे अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अगेन वही एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या है आउटपुट को शो किया, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट को शो किया, ठीक है। तो हमारी ये है टोटल कॉस्ट कर्व, दैट इज ब्लैक लाइन जो आपको ये वाली दिख रही है, ये हमारी क्या है टोटल कॉस्ट कर्व पीसी, ठीक है। वही हमारी ये क्या है टोटल रेवेन्यू पीआर, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट कर्व है, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, और ये हमारी टीपी टोटल प्रोडक्ट नहीं, ये हमारी है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। क्या है टोटल प्रॉफिट कर्व, मतलब कि ये प्रॉफिट को दिखा रही है एक फॉर्म की, फॉर्म के प्रॉफिट कैसे है, प्रॉफिट कर्व क्या है फॉर्म की, ठीक है। तो ये कॉस्ट कर्व है, ये रिवेन्यू कर्व है, ये प्रॉफिट कर्व है, और ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ ब्लू से एमपी लिखा, ये है मिनिमम प्रॉफिट, कि एक फॉर्म मिनिमम उसको कितना प्रॉफिट चाहिए जो उसने डिसाइड किया था, ये देखते हुए कि उसके शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके जो लाइक मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस क्या चल रही है, तो उसके बेसिस पे जो उसने मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड किया था कि मुझे इतना मिनिमम चाहिए, उसके बाद आई विल मैक्सिमाइज द सेल्स। तो क्या है एक फॉर्म ने सोचा कि मुझे इतना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद मैं सेल्स को मैक्सिमाइज करूँगी। सो ये वो वाला मिनिमम प्रॉफिट वाला लेवल है। सो अब अगर हम देखें, अगर एक फॉर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, अगर एक फॉर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, सो प्रॉफिट वाला कौन सा था, ये हमारा टीपी कर्व, ये कौन सी थी प्रॉफिट कर्व। सो यहाँ प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कहाँ है, जब वो ओटी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, जब फॉर्म ओटी लेवल ऑफ आउटपुट सेल करेगी तब उसका क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा टी।
50 यूनिट बेच दी, 100 यूनिट बेच दी और वो आप सस्ते में बेच दो, हमें क्या है सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाना है। सो सेल्स रिवेन्यू हमारा मैक्सिमम कब है, मतलब जहाँ TR मैक्सिमम है, टोटल रिवेन्यू हमारा मैक्सिमम है, वो पॉइंट होगा हमारा जहाँ सेल्स हमारी मैक्सिमम होगी, जहाँ हमारा सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमम होगा। सो TR हमारा मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ, ये हमारी TR कब थी और ये मैक्सिमम कहाँ है, J लेफ्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो हमारी मैक्सिमम सेल्स कहाँ होंगी, जब हमारी ओ क्यू आउटपुट जो है एक फॉर्म सेल करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, जहाँ वो अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करेगी, वहाँ उस सिचुएशन में फॉर्म टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करेगी, सिर्फ इतना कि टोटल प्रॉफिट कब है, ये सिचुएशन है जब वो अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करेगी। सो अगर वो OQ यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करेगी, सो वो सेल्स तो मैक्सिमाइज करेगी बट उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। सो कम प्रॉफिट पे तो नहीं बेचना, हमने कहा था उसको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद सेल्स को वो मैक्सिमाइज कर सकती है। सो मिनिमम प्रॉफिट उसको चाहिए, सो मिनिमम प्रॉफिट और उसके बाद अगर हम सेल्स देखें, सो एक फॉर्म मिनिमम प्रॉफिट कहाँ अर्न करके, तो ये हमने क्या माना था मिनिमम प्रॉफिट, ये क्या थी टोटल प्रॉफिट का। सो मिनिमम प्रॉफिट फॉर्म का क्या है, ये बोले तो यहाँ पर वो कितनी आउटपुट सेल करेगी, वो R आउटपुट और उसकी जो सेल्स होंगी, सेल्स रिवेन्यू होगा वो कितना होगा RI। सो ये होगा बोमोल के अकॉर्डिंग सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। सो किस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर एक फॉर्म अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करेगी, सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइज करेगी एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट के बाद। सो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर्म जो है वो कहाँ पर अर्न कर दिया है, अगर हम देखें तो वो यहाँ पर उसका मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है जो वो अर्न कर रही है और वहाँ पर ही उसकी सेल्स क्या है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट तो वो यहाँ भी अर्न कर रही है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट हम नहीं देख सकते क्योंकि अभी भी सेल्स भी कम है हमारी, साथ में टोटल प्रॉफिट में भी वो कम है। तो मिनिमम प्रॉफिट को कहाँ अर्न करेगी, मिनिमम प्रॉफिट इस पॉइंट के ऊपर एक फॉर्म हमारी जो है वो अर्न करेगी और उसी पॉइंट के ऊपर हमारा बोमोल का सेल्स मैक्सिमाइज मॉडल काम करेगा। तो एक फॉर्म सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अकॉर्डिंग कितने लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, वो होगा हमारा OR, कितनी OR यूनिट ऑफ आउटपुट जब एक फॉर्म सेल करने को रेडी है, वो होगा हमारा बोमोल सेल्स मैक्सिमाइज मॉडल, क्योंकि वहां पर वो अपने मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्ट्रेंट को भी पूरा कर रही है और उसके बाद वो अपने सेल्स रिवेन्यू को भी मैक्सिमाइज कर रही है। सो ये था हमारा बोमोल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। अब इसकी ऑब्वियसली बात है क्रिटिसिजम्स भी बहुत हुई थी, जैसे कि उन्होंने अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इन्होंने इंटरडिपेंडेंस को जो है फॉर्म को इग्नोर किया। मेन चीज कि उन्होंने कहा कि फॉर्म जो है सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मैक्सिमाइज करने में लगी हैं, लेकिन फॉर्म्स और इंडस्ट्री दोनों के बीच में रिलेशन होता है, फॉर्म्स मिलके ही तो इंडस्ट्री बनाती हैं, बट सभी क्या है फॉर्म्स अपना मैक्सिमाइज सेल्स करने में लगी है, तो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। सो इंडस्ट्री का उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उनका जो है इंटरडिपेंडेंस को वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड थिंग उन्होंने बोला कि मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड करना इतना ईजी नहीं है, आप कहो कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन देख लो, करंट प्राइस देख लो, लेकिन शेयर एकदम से कितने बढ़ते घटते रहते, तो मिनिमम प्रॉफिट को डिसाइड करना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। सो इस बेसिस के ऊपर इनकी क्रिटिसिज्म काफ़ी होगी, ठीक है, मॉडल की। सो ये हमारा था बोमो का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एक्सेलेंस इन इकोनॉमिक्स के नाम से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।